नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में सुख दुख आते और जाते रहते हैं। कई बार इंसान को पहले से ही कुछ बातों के संकेत मिल जाते हैं। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि भगवान हमें कई बार ऐसे संकेत देता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, गीता में भी यही लिखा है कि जीवन में जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमारे बुरा समय आने के संकेत हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने वो कौन से संकेत बताए हैं जो बुरा वक्त आने से पहले हर इंसान को मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर एक, कहा जाता है कि अगर आपके घर के पास में बिल्ली के रोने की आवाज आती है तो ये अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, बता दें कि बिल्ली को ये चीज जल्दी पता चल जाती है। और दूसरा संकेत ये भी होता है कि अगर आपके घर पर किसी बुरी शक्तियों का साया है और आपके घर में आने वाले दिनों में कोई हानि भी हो सकती है तो इसका बिल्ली को सबसे पहले पता चल जाता है। दोस्तों, नंबर दो, घर पर सुबह के समय सुहागिन के द्वारा सिंदूर लगाते समय सुहागन की सिंदूर की डिबिया गिरना उसके पति के कारोबार के लिए बुरे समय का संकेत होता है। दोस्तों, नंबर तीन, घर के किचन में बिना वजह दूध का फटना इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई बड़ा क्लेश होने वाला है या फिर जल्द ही कोई बड़ी बीमारी आने की आशंका है। दोस्तों, नंबर चार, घर पर कभी भी पूजा पाठ के दौरान पूजन की थाली गिर जाती है तो ये संकेत है कि आपसे देवतागण नाराज हैं, इसलिए पूजन विधि में सुधार की जरूरत है। दोस्तों, नंबर पांच और आखिरी पॉइंट, घर पर रात को सोते समय अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि घर में कोई क्लेश होने वाला है। इससे कारोबार मंदा होने के भी संकेत मिलते हैं और घर में गरीबी और दरिद्रता आने के भी संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। रोजाना इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। जय हिंद।